हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल संदीप जोमेटो किचन। आज हम बना रहे ग्वार फली की सब्जी। इसके लिए हमने 250 ग्राम ग्वार ली है, एक प्याज लिया उसको हमने फाइनली चॉप किया है, चार टमाटर लिए उसको भी हमने फाइनली चॉप किया है, लहसुन लिए, धनिया लिया और घर के मसाले। खटाई के लिए हमने अमचूर पाउडर लिया है। अभी सबसे पहले हम ग्वार को बॉयल करेंगे, तो हम लोग अभी इसको कुकर में डालते हैं। चलिए अभी हम हमारे कुकर में ग्वार ऐड करेंगे और एक गिलास पानी ऐड करेंगे और साथ में हम आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और 3 से 4 सीटी लगने तक हम इसे बॉईल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी जो ग्वार थी वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। अभी हम इसकी सब्जी बनाते हैं। चलिए अभी सबसे पहले हम हमारी कढ़ाई में तेल ऐड करेंगे। अभी हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। अभी हमारा लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसके अंदर जो हमने फाइनली चॉप प्याज थे वो ऐड करेंगे। अभी हमें प्याज को सिर्फ कच्चापन दूर हो जाए तब तक ही पकाना है, इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है हमें प्याज को। देखिए 2 से 3 मिनट हमने सेम आंच पे हमारे प्याज को पकाया है, उसका कच्चापन भी दूर हो चुका है। अभी हम इस टाइम पे टमाटर ऐड करेंगे और साथ में हमने इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और अच्छे से पकाएंगे हमारे टमाटरों को। अभी हम हमारे टमाटरों को ढक देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए सेम आंच पे पकाएंगे हम। देखिए अभी हमारे जो टमाटर है वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। अभी हम हमारे टमाटरों में मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच हम लोग लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच हम लोग हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, अभी हम 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच हम लोग गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अभी हम हमारे मसालों को पकाएंगे। अभी हमने मसाले ऐड कर दिए। अभी हम 2 मिनट के लिए और ढक के इसे पकाएंगे अच्छे से। देखिए अभी हम हमारे मसालों को चेक करते हैं जो अभी हमने डाले थे। देखिए जो हमारा तेल था वो भी साइड में से आ चुका है, मतलब हमारी जो टमाटर और जो मसाले वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। अभी हम इसके अंदर ग्वार फली ऐड कर देंगे जो हमने बॉयल की थी। देखिए अभी जो हमारी ग्वार फली की सब्जी थी वो बनके तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको सर्व करते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने हमारी ग्वार फली की सब्जी को सर्व कर दिया है। अभी हम इसके ऊपर धनिया गार्निशिंग के लिए डालेंगे और ये डिश एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।